भाई की बंदी नाराज है, इसकी भाई की बंदी से भाई को बात कराएंगे, भाई बहुत रुसा हुआ। हेलो, गाड़ी में पनौती लग चुकी है मेरी, ऐसा लगने लगा है मेरे को तो, कि मेरी अभी जॉब लगी है एक रिसेंटली। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो प्लान कुछ ऐसा है, मेरा दोस्त है कोचिंग का अवनीत, थोपड़ा दर्द का, तो ये आया है यहाँ पे। एक्चुअली मिलने तो लड़की से आया था, पर इसको मैंने जबरदस्ती अपने पास बुला लिया कि भाई तू मेरे से मिलने आ जा। और मेरा प्लान था कि मैं वीकेंड पे ना गुरुद्वारा जाऊँगा बंगला साहिब, तो अभी मैं इसको लेके जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ बंगला साहिब, क्योंकि इसको निकलना था अभी 2-3 बजे के आसपास, और इसको मैंने रोक लिया यहाँ पे। अब मैं इसको रात में छोड़ूंगा और रात में ही जाने दूंगा यहाँ से। बंगला साहिब जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बंगला साहिब में बताता हूँ। भाई बाल कैसे हो रहे हैं यार, मैंने अभी देखा, बिल्कुल मुर्गी लग रहा हूँ यार। नहीं अच्छे नहीं लग रहे मुझे तो। हाँ ये बात सच है यार। बाकी आप लोगों को रूम टूर नहीं दिया मैंने अभी तक, मेरी किस्मत एक अच्छे में जहाँ पे जाता था मुझे रूम अच्छा मिल जाता है। तो भाई रूम अपना ये है, यहाँ से एंट्रेंस किया, ये कबर्ड हो गया, ये गिटार हो गया, ये कबर्ड हो गया, अंदर हगान हो गई, ये टेबल हो गई, ये बेड हो गया जो बहुत ख़राब पड़ा है, और ये तुम्हारा किचन हो गया। पर यार यहाँ से एक सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है, वो है ये खिड़की, रात में ना बहुत प्यारा व्यू दिखता है इससे, बहुत प्यारा व्यू। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो तो ये था बहुत क्विक रूम टूर, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं। बहुत मुश्किलों से मिला ये घर मेरे को, ऐसे ही नहीं मिल गया कोई। ठीक है अभी चलते हैं आगे ट्रिप पे। आज मुले 10 बजे झाड़ू। भाई मैं तो नया स्टार्टअप, मैं तो नया फ्रीलांस करने का सोच रहा हूँ, झाड़ू बेचा करूँगा अब से मैं। आज मुले मस्त आवाज है। भाई की बंदी नाराज है, भाई की बंदी से भाई को बात कराएंगे, भाई बहुत रुसा हुआ। हेलो, खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। है? बात करना बंदी से, अरे बात कर ले बात से बंदी से, चली जाएगी तेरे को छोड़ के, नहीं करेगा, मना कर रहा है नहीं करेगा। यार गाड़ी की बैटरी चली गई बिल्कुल पूरी, बंदी हो गया सिस्टम पूरा गाड़ी का, गाड़ी बैक और मार दी, और हम लोग दिल्ली जाने का प्लान बना चुके हैं। अभी देखते हैं इसमें चल गई अगर ये तो ठीक है, नहीं तो ट्रिप कन्वर्ट होने वाली है बैटरी चेंज करवाने में जाकर। बहुत ही प्यारा सीन होता है, गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है, रेस ही नहीं ले रही गाड़ी। गाड़ी भाई हाईवे बंद हो गई है, इसे टो करा करा के थक गया मैं तो दुनिया भर से। अभी मैकेनिक ढूंढ रहे, कहाँ है मैकेनिक? है यहाँ पे था, पता नहीं और कहीं चला गया कि क्या है, बगल में था उस साइड है। भैया से बोले भैया गाड़ी का मैकेनिक है यहाँ पे, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छी खासी गाड़ी की बैटरी चल रही थी, घर से निकले थे गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई रास्ते में चलते चलते, बताओ यार इस बेचारे की ट्रिप भी खराब हो गई है। बैटरी खत्म हो गई थी एक बात तो पता है मेरे को, मतलब थी तो सही पर एकदम से खत्म होती चली गई रास्ते भर में। बैटरी अगर खराब होगी तो स्टार्ट नहीं होगी, तो आप बैटरी का क्या करें? नहीं डलेगी, कितने की आएगी? गाड़ी में पनौती लग चुकी है मेरी, ऐसा लगने लगा है मेरे को तो। पल में नंगी हो गई गाड़ी भाई, दो पल में नंगी कर दी गाड़ी बिल्कुल। अच्छी खासी लेके निकले थे, फ्यूल भी एम्प्टी दिखा रहे हैं अब तो इसमें। फ्यूल तो है इसमें, तभी फ्यूल एम्प्टी दिखा रहे हैं, पूरा आधा टंकर भरा हुआ है इसका। ये तो कब खराब हो गई एलईडी? एलईडी कहाँ से खराब हो सकती है, बैटरी से गई होगी ना एलईडी भी तो। जलाऊं क्या हो गया? ओ जल गई बंद हो गई, अभी जली तो थी। ये कैसे खराब हो गई अब? भाई गाड़ी की एलईडी भी खराब हो गई, वाओ हाई बीम खराब हो गई गाड़ी की। भाई खर्चा अच्छा हो रहा था, पर उसे स्पार्क प्लग लगाया था नया, वो से निकालने नहीं दिया वापस मैंने, तो अब जो खर्चा हुआ वो दुख नहीं रहा इतना ज़्यादा। बाकी बैक टू द ट्रिप, अब सीधा दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं वापस नहीं मिलता गया। आ जाएगा रख ले, दबा उसको साइड से पहले खोल। हाँ सरोजनी पहुंच गए, और ना मेन चीज़ याद रखनी है ना इधर पार्किंग में, वो एक गाड़ी किधर लगाई है, क्योंकि ना गाड़ी मेरी एक बार पहले भी घूम चुकी है।
फिर तो अंदर गुस्सा अभी से मन में चलने लग गया मेरा तो बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। मैं फिर खर्चा कर जाऊंगा यहाँ पे, सारा उड़ा जाऊंगा जितना खर्च सेविंग किया है। लड़कियों की है, सब बराबर ही है, लड़का पहले लड़की पहले, सब बराबर ही है। भाई फ्रेंड ने बोला था उसकी मम्मी के लिए उसको साड़ी चाहिए, उसके लिए साड़ी देख रहा था मैं आधे एक घंटे से देख रहा हूँ, तब जाके एक फाइनल हुई है। और डिमांड ये थी चमकती धमकती ना हो, वर्क हो पर वो वर्क वाली ना लगे। हाँ भाई ये तो समझ में आता नहीं अपन को, पर एटलीस्ट फाइनली लास्ट में एक दिखी जो पसंद आई और सही रेंज में ले ली उसे, और जान निकल गई भाई अपन से नहीं होती शॉपिंग। अभी मुझे लेनी है पैंट, तो अभी पैंट देखने जा रहा हूँ। पर यार लिटरली शॉपिंग करनी ना आती मेरे को, ना मेरे से होती, और ये सामान लेने ना मेरी जान निकल गई लिटरली। मेरे कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पे, 2 घंटे से ज़्यादा निकल गए यहाँ पे। बंगला साहिब अभी करना है पे, अभी पे करना है ज़्यादा टाइम। अच्छा हाँ यहाँ तो फ्री होती थी ना, यहाँ तो फ्री पार्किंग होती थी, मुझे लगा था यहाँ पे 10 रुपये पे करना पड़ता था, मैं भूल गया यहाँ पे फ्री पार्किंग होती थी। ये अंदर चल रहा है लंगर 24 लाइक 7 के 7 दिन चलता है यहाँ पे लंगर। बाकी वैसे गुरुद्वारों में ना सिर्फ संडे को लगता है लंगर, पर यहाँ पे ना 24/7 चलता है लंगर। 24/7 बोलते हैं, मैंने तो देखा नहीं लाइक रात के टाइम पे, पर हाँ चलता है यहाँ पे। ठंड लग रही है एक तो, और पैर लोगों का कल्चर ही तो बहुत पसंद है भाई, ये जो कल्चर है। टच करने का ट्राई करा जा रहा है भाई, लगा हाथ कोई आने दे। अरे आगे आगे से टच मत कर भाई, काट जाएगी ये, काट देगी भाई, ये तो बहुत गंदी दिख रही है। लगा हाथ, लगा लगा, और फिर पलट के काट दे अगर तेरे को। कैसी है, कैसा फील हुआ? टच ही नहीं, कैसा फील नहीं? ऐसे करते करके बुला आओ आओ आओ, देख आ रही है, देख आ रही है। लगाया हाथ, लगाया? नहीं भाई नहीं लगा, वो तो अंदर है, बहुत अंदर है भाई, लग रहा है ऊपर है वो। लगा हाथ, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा नहीं है, पता नहीं मेरी तो हालत खराब है भाई। अगर काट गई तो कौन सी इंजेक्शन लगेगा? अरे नहीं है भाई, अरे बेटा भाई ड्राइवर मत ही बैठी पड़ रही है यार। अरे नहीं लगता, अभी पागल है क्या? कर ले कर ले, नहीं होगा भाई, इनको सब करते होंगे ना, इसलिए इनको आदत है। ची ची ची, बहुत ही गंदा, बहुत भाई बहुत ही गंदा है। मछली पकड़ने में अच्छी होती है, मछली पकड़ने में अच्छी नहीं होती, इतना गंदा स्लाइमी स्लाइमी सा था ना। ची 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 ची, खा कैसे लेते हैं लोग। बंगला साहिब में भाई, बंगला साहिब में सबने मेन लंगर तो खाया होगा, ये है खेड़न लंगर। ये ना अंदर से रास्ता है इसका, बंगला साहिब के अंदर से। ये देखो यहाँ पे मिलता है दाल चावल वगैरह, जो इन लोगों का मेन लंगर है ना उसमें मिलती है दाल और रोटी, और ये जो हिडन लंगर है ना इसमें मिलती है कड़ी चावल। और मैं बताता हूँ आप लोगों को मेरे यहाँ पे आने का रीज़न। तो मैंने ये कहा था लाइक मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ गुरुद्वारा वगैरह, बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि मेरी जब भी पहली सैलरी आएगी ना लाइफ में, जब भी पहली सैलरी आएगी तो मैं यहाँ पे आके ढोक लगाऊंगा बंगला साहिब में, ठीक है। तो ये था कि मेरी अभी जॉब लगी है एक रिसेंटली, और उसकी सैलरी आई थी, आए हुए टाइम हो गया, मेरे को आने का टाइम नहीं मिल रहा था यहाँ पे। पर मेरा ये था कि मैं वीकेंड में ज़रूर आऊँगा, मैं वीकेंड पे आया अभी यहाँ पे, और लकली ये था कि मेरे को ना गुड़गांव में जॉब लगी है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और मैं दिल्ली से आ पाया और ढोक लगा पाया। तो मेरी जो बोली थी मेरे को बस वो पूरी करनी थी, और धन्यवाद कहना था यहाँ पे आके, तो मैं इसलिए आया था यहाँ पे। बाकी दर्शन वर्शन पूरे हो चुके हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा सीपी, अगर ये बंदा अपनी बस लेट की बुक करता है तो, नहीं तो अगर अभी की बुक करेगा तो फिर सीधा गुड़गांव निकलेंगे।
और भाई का टोरा देखो, इतनी ठंड में भाई को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। भाई ने जैकेट बिल्कुल हाथ में रख रखी है। फैशन इन्फ्लुएंसर है भाई, फैशन इन्फ्लुएंसर। भाई नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा क्योंकि ना फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म होती जा रही है। अभी अच्छा खासा वहाँ से कहते हैं बंगला साहब से रिकॉर्ड करने का मन करा, पूरी स्टोरेज ही भर गई। अब यहाँ पे पहुँच गए सिद्धी। अभी यहाँ पे मैं ढूंढूँ सीधा वो जगह जहाँ पे ये गाने वाने और ये सब डांस वांस होते हो सर। बाकी तो अपने काम का यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो हम लड़की के साथ आए ना हम क्लब जाने वाले, हम आए एक चिकने लड़के के साथ। तो अपन एक ही चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। देखा इधर देखा, अरे यार शाहरुख खान लग रहा है खतरनाक। अरे बिल्कुल अन्ना पांडे लग रहा है भाई, तू बिल्कुल अन्ना पांडे। सबके लिए गिफ्ट ले रहा था तो मम्मी और मामी के लिए भी एक गिफ्ट लिया। बाकी सीपी में यार आज बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ज़्यादा क्या बोलते हैं वाइब वगैरह, क्योंकि यहाँ पे लगा बहुत सारे लोग डांस वांस करते हैं और गाने वाने गाते हैं और ये गिटार विटार के परफॉर्मेंस होते हैं। बाकी ना यहाँ पे एक बंदा डांस करता था, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे, बट उसकी बहन है अभी तो।